हाय दोस्तों, स्वागत है आपको एक बार फिर से टेक्निकल ज्ञान गणेश में। दोस्तों तो आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ फ्रेंड्स, अपने मोबाइल से आप अपने आधार कार्ड डाउनलोडिंग कैसे कर सकते हैं ओरिजिनल। और इस वीडियो में दोस्तों यही बताने वाला हूँ, तो वीडियो में शुरू से लास्ट तक आप जरूर बने रहिएगा। आपको मालूम है ऑनलाइन का प्रोसेस अभी होने वाला है, तो ऑनलाइन में एक भी आप नहीं समझते हैं तो आपका काम नहीं होगा। फिर आप लोग कमेंट करिएगा दोस्तों से, आप मेरा काम नहीं हुआ, ये बता रहा है। दोस्तों मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि वीडियो को आप शुरू से लास्ट तक देखिएगा, इसमें आप अच्छी तरह से समझ जाइएगा और अपने आधार कार्ड को आप डाउनलोडिंग कर सकते हैं। जैसे कि मालूम है आपको, कहीं पर आप जाते हैं तो आपका आधार कार्ड घर पर छूट जाता है, आपको आधार कार्ड नंबर खाली मालूम है, तो अपना आधार कार्ड खाली नंबर से भी आप अपना आधार कार्ड डाउनलोडिंग कर सकते हैं। और उसका वर्चुअल आईडी है, जैसे आधार कार्ड में बनाते हैं रिसीविंग देता है, उस भी है, उसी से आप दोस्तों कैसे अपना आधार कार्ड ओरिजिनल डाउनलोडिंग कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल में पहली बार आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर ऑल कर ले दोस्तों। इससे क्या होगा, मैं कोई भी वीडियो बनाऊँगा आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन के माध्यम से मेरा वीडियो पहुँच जाए। दोस्तों आप लोग सोचते होंगे मेरा सब्सक्राइबर कम है, वीडियो गलत बनाते होंगे, तो ऐसा कोई बात नहीं दोस्तों, मेरा चैनल पर जाके एक बार विजिट करके मेरा वीडियो देख लीजिएगा। आपको कोई भी डाउट लगेगा तो आप लोग सब्सक्राइब नहीं करिएगा दोस्तों, सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों, तो चैनल मेरा जो सब्सक्राइबर बढ़ जाएगा तो आप लोग को अच्छे अच्छे इन्फॉर्मेशन आपको मैं देते रहूँगा। तो चलिए दोस्तों बिना देरी के वीडियो करते हैं स्टार्ट। स्क्रीन पर मार चुके हैं तो सबसे पहले आपको गूगल क्रोम खोल लेना है, एक ये वाला गूगल क्रोम होता है, इसको खोलने के बाद यहाँ पे क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको टाइप कर देना है UDAI। यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं UDAI सर्च करने के बाद आपको यहाँ पे सर्च करने के बाद आपको सर्च कर देना है इसको UDAI करके। दोस्तों यहाँ पे सर्च करने के बाद आपको देख सकते हैं जो पहला वाला वेबसाइट है इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको थोड़ी देर वेट कर लेना है फ्रेंड्स। यहाँ पे आपको इंग्लिश कर लेना है, इंग्लिश पर क्लिक, आप जो आप लैंग्वेज में आप समझना चाहते हैं उस लैंग्वेज में आप अपने हिसाब से सेलेक्ट कर लेना है। तो हम इंग्लिश कर लेते हैं। इंग्लिश करने के बाद आपको थोड़ी देर आपको वेट कर लेना है। वेट करने के बाद यहाँ पर सबसे नीचे चले जाना है, नीचे जाना है, नीचे यहाँ पर आपको स्किप कर देना है इसको। यहाँ पर देख सकते हैं डाउनलोड आधार यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको थोड़ी देर वेट कर लेना है फ्रेंड्स। वेट करने के बाद एक वेबसाइट जो है खुल रहा है, खुलने के बाद नीचे आप आ जाइएगा, यहाँ पे स्क्रॉल करिएगा ऊपर में, यहाँ पे आपको दिखने के लिए मिल जाएगा डाउनलोडिंग आधार, इस पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको थोड़ी देर वेट करना है, बैक नहीं, डाउनलोडिंग आधार पर क्लिक करने के बाद आपको फ्रेंड्स यहाँ पर आपका आधार नंबर डाल देना है, जो आधार नंबर आपको याद है वो डाल देना है। यहाँ पर आपको इस बॉक्स में आधार नंबर डाल देना है, इस बॉक्स में यहाँ पर कैप्चा दिख रहा है, इसमें आपको फिल कर देना है, सेंड OTP आपको क्लिक कर देना है। और फ्रेंड्स आप इंटरटेनमेंट आईडी से निकालना चाहते हैं, जो रिसीविंग देता है उसे निकालना चाहते हैं, वर्चुअल आईडी से आप निकाल सकते हैं। तीन तरह से आप यहाँ पे निकाल सकते हैं और देख सकते हैं यहाँ पे आप तीन तरह से निकाल सकते हैं। तो हम आधार कार्ड, मेरा नंबर याद है तो हम आधार कार्ड नंबर से हम निकालते हैं। तो चलिए इसमें हम आधार नंबर भर लेते हैं, कैप्चा डाल के सेंड OTP पर हम क्लिक करते हैं। चलिए हम सब कुछ डालिए फ्रेंड, यहाँ पर आपको सेंड OTP का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको थोड़ी देर वेट कर लेना है। वेट करने के बाद ये नेक्स्ट पेज पर जा रहा है, यहाँ पे आपको बैक नहीं करना है। यहाँ पर देख सकते हैं OTP आपको रजिस्टर मोबाइल नंबर भेज दिया गया है, तो मोबाइल नंबर पे OTP आया होगा, यहाँ पे आपको भर देना है OTP। OTP भरने के बाद यहाँ पे वेरीफाई डाउनलोडिंग का ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। चलिए हम अपना पहले OTP यहाँ पर फिल कर लेते हैं। देख सकते हैं जो अपना है OTP भर दिया हूँ, आपको वेरीफाई डाउनलोडिंग पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको थोड़ी देर वेट कर लेना है फ्रेंड। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पे लॉक खोलने के लिए उसका पासपोर्ट प्रोडक्ट होगा दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग अच्छे से। अगर आपका नाम है अनीश है दोस्तों, तो पहले का चार गो अक्षर डालना है दोस्तों, चार, उसके बाद है डेट ऑफ बर्थ डाल देना है, यहाँ पर देख सकते हैं डेट ऑफ बर्थ है, अब डेट ऑफ बर्थ डाल दीजिएगा पूरा, उसके बाद आपको खुल जाएगा। तो चलिए दोस्तों गो टू होम पेज पर डाउनलोडिंग करते हैं, ये मेरा डाउनलोडिंग हो चुका है। अब चलते हैं अपना फाइल पर, यहाँ देख सकते हैं डाउनलोडिंग यहाँ हो चुका है। यहाँ पर आपको हम क्लिक करके बता देते हैं PDF में डाउनलोडिंग हुआ है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो मेरा अभी पासपोर्ट प्रोडक्ट मांगा जाएगा, तो अपना पासपोर्ट डाल लेंगे, लोगों को A to Z बताइए देते हैं, सो आप लोग डाउट में नहीं रहिएगा। देख सकते हैं पासपोर्ट पर आ गया था, हमारा नाम गणेश है, तो
तो हम डाल देते हैं जी ए एन ई, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ आपको डाल देना है, तो अपना डेट ऑफ बर्थ डाल देते हैं। उसके बाद यहाँ पे डन पर क्लिक कर देना है दोस्तों। डन पर क्लिक करने के बाद आप लोग देख सकते हैं जो मेरा आधार का पीडीएफ है वो कितनी आसानी से खुल के आ चुका है। इतना मैं ब्लर किया हूँ अपना पर्सनल डाटा, इसीलिए दोस्तों। तो देख सकते हैं दोस्तों कितनी आसानी से हमने आधार कार्ड आपको डाउनलोडिंग करके बता दिया दोस्तों। आप ऐसे आप आधार कार्ड तुरंत में डाउनलोडिंग करके किसी को भेज भी सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों, में भी सेट कर दीजिएगा। बहुत हेल्पफुल वीडियो मैं आपके लिए लेके आते रहता हूँ। चलिए दोस्तों मिलते हैं एक अच्छी सी वीडियो में, तब तक लिए बाय, जय हिंद।